कोलकाता में अपने अल्प प्रवास पर पहुंचे भारतीय जनता किसान मोर्चा के अध्यक्ष रणवीर सिंह राजावत। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर सवालों के जवाब दिए। आते ही राजावत ने कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया, साथ ही बताया कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने आने से पहले जो वादे किसानों से किए थे वे अभी तक पूरे नहीं किए। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने जो किसानों की कर्ज माफी की लिस्ट जारी की है वह भी फर्जी है। वहीं गुना में अभी तक उम्मीदवार का नाम घोषित न किए जाने पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है, इसलिए देरी होने की तो कोई संभावना ही नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीदवार की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी करते हैं जिसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं। वहीं भोपाल से दिग्विजय सिंह के लड़ने पर उन्होंने कहा कि वे इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से हारेंगे। उनके विचार भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक कार्यकर्ता ये मानता है कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है और ये अच्छा भी है। कई बार इस प्रकार के प्रयोग पार्टी का, लेकिन किसी भी दल ने आज तक 3 महीने पहले 2 महीने पहले कोई दल अपने प्रत्याशी घोषणा नहीं करता। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम है और हर मतदान केंद्र पर पूरी ताकत से हम लड़ने लगे। अब मुझे पता नहीं है, लेकिन देवजय सिंह जिस प्रकार से जो दिखावा कर रहे हैं, संकालिक सुरक्षा की हम बात करें और देवजय सिंह संघ के कितने शुभचिंतक हैं, कितने समर्थक हैं और कितने उनका सम्मान है पूरा देश जानता है। देवजय सिंह का जो एक पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, देवजय सिंह की जो कार्य पद्धति रही है, मुझे लगता नहीं कि भोपाल हमारा भारतीय जनता पार्टी गढ़ है और वो वहाँ रिकॉर्ड वोटों से वो हारेंगे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी वहाँ लड़ेगा तो वही चुनाव। ऐसे पूर्वोत्तर की जो राज्यों की स्थिति है, हमारा सरकार में यही बात सही है, नागरिकता जो कानून का जो मामला हुआ, जो एक तरह से वहाँ का रजिस्टर रखा गया, उसको लेकर कांग्रेस ने सारे तरह जो नाटक किया। जहाँ तक मैंने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में घाटी से हम सेना को कम करेंगे, सेना को हम जाने नहीं देंगे, मैं मानता हूँ आगे चलकर धीरे धीरे जो आपने बात की है ना, कुछ परिस्थितियाँ होती है लंबे समय से, जब कोई परिस्थितियाँ होती है धीरे धीरे उसको ठीक करने का सवाल है। मुझे लगता है उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, जो कहा है वो हम करेंगे, लेकिन वहाँ राज्य सरकार की कुछ परिस्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे वो जो कहा है वो हम करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में वर्तमान जो कांग्रेसी सरकार है उसके द्वारा चुनाव के पहले जो अपने वचन पत्र में घोषणा की थी कि हम 10 दिन के अंदर किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि हम सरकार में आने के बाद में किसानों को पेंशन देंगे, नगद भुगतान करेंगे, और सरकार ने ये भी कहा था कि किसानों की हम सारी फसलों को खरीदेंगे और उस पर बोनस की राशि देंगे। इन सब विषय को लेकर के सरकार में आने के बाद में प्रदेश की सरकार अपने एक भी वादे पर खड़ी नहीं उतरी है। कमलनाथ जी की सरकार लगातार कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ छलावा कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है। खरीदी केंद्रों पर किसानों की हालत यह है कि वहाँ खरीदी केंद्र आए तक प्रारंभ होने नहीं है, कहीं पोर्टल का बहाना लिया जा रहा है, कहीं लिया जा रहा है। एक नया प्रयोग और 4-5 दिन से देखने में आ रहा है कि प्रदेश की सरकार अपने उचित तरीके से अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से समिति प्रबंधकों पर ये प्रयास दबाव बनाने के प्रयास करें कि किसानों को, जो ऐसे सारे किसान हैं जिनको अभी तक माननीय कमलनाथ जी का जो फोटो छपा हुआ है एक पत्र जारी किया है, उसके अलावा जो किसान बचे हुए हैं उन किसानों को भी किसी न किसी रूप में कागज़ दे दिए जाए, भले उसमें अमाउंट नहीं हो, उसमें कोई डेट नहीं हो, ताकि वो किसान भी भ्रम बना रहे। तो इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की आज हमारी गुनाव बैठक, मैं 11 दिन के प्रवास पर जा रहा हूँ और जो किसानों की समस्याएं, जो खरीदी केंद्र की समस्या को लेकर, जो कर्ज माफी को इशू को लेकर के, और जिस प्रकार से सारे विषय हैं उनको लेकर के हमारा किसान मोर्चा गांव-गांव में जाएगा, खरीदी केंद्रों पर जाएगा, किसानों से इस बात को उजागर करेगा कि कांग्रेस का चरित्र रहा है नारे लगाओ, झूठी घोषणाएं करो और सरकार में आने के बाद में वो कुछ करते नहीं।